नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं मृदुभाषी न्यूज चैनल पर आपके विशेष कार्यक्रम नेकी की बात मृदुभाषी के साथ। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहां पर मौजूद हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां लिखी हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। और ऐसे ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एक जाबाज सिपाही जिन्हें सिंघम भी लोग कहते हैं, जिन्हें लोग आन बान शान इंदौर की कहते हैं और कहते हैं कि वाकई में हैं और इंदौर की जान है, जो रंजीत सिंह जी हैं सर, हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। और बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि बहुत ही व्यस्त रहते हैं वो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ क्षण वो निकालते हैं, हालांकि वो मीडिया से दूरी रहते हैं, क्योंकि जो लोग अच्छा और बड़ा काम करते हैं वो अक्सर इन प्रसिद्धियों से दूर रहते हैं। लेकिन हम जैसे चैनलों को जब पता चलता है उनके कामों के बारे में, तो बस वही आज का मुद्दा है कि लॉकडाउन का एक जो कोरोना, एक जो भयंकर महामारी का एक जो दौर था चला, तो लॉकडाउन का एक पीरियड आया जिसमें कि काफ़ी त्रासदी हुई लोगों को, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सड़कों पर उतरे और जनता के लिए समर्पित रहे, दिन रात मेहनत किया, उसमें से एक कोरोना वॉरियर्स आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपकी परिचय देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लोग पहले से जानते हैं, ये मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, मतलब इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है आपको कि मैं सर एक बात मैं बता दूं आपको कि मोहब्बत जो चीज़ होती है ना, उसकी प्रेरणा नहीं आती उसकी फीलिंग आती है जी। तो जब आप किसी से मोहब्बत कर लेते हो तो एक्सक्यूजेस नॉट अलाउड जी, आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते जी। आपने मोहब्बत कर ली साहब, तो मैंने मोहब्बत कर ली अपने देश से जी, अपने वतन से। अब मेरा जो देश है वो डिमांड करता है, जैसे मोहब्बत डिमांड करते ना, मुझे ये ला के दो, मुझे ये ला के दो, तो मुझे एक देशभक्त ला के दो। क्या बात, या मेरा देश मुझसे डिमांड करता है। जैसे इतनी बड़ी स्टोरी नहीं है मेरी, क्या बात, आप मोहब्बत करके देखिए, सच्ची मोहब्बत करिए अपने देश से, देश खुद डिमांड करेगा, आपको खुद एक रूप दे देगा कि आपकी जो मोहब्बत है इस वे में जाएगी। मैंने बस वही किया है, दिल से, सच्ची दिल से अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए काम किया है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे देश के युवा जो हैं जी वो रोड एक्सीडेंट में मरे, अगर वो उनको मृत्यु आती भी है तो मेरे ख्याल से उनका जो बॉडी है वो तिरंगे में लिपट के आए, ना कि सफ़ेद कपड़ों में। तो मैंने प्रयास किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त रोड एक्सीडेंट में डेथ हो रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, चलो अपन इस वे में काम करेंगे। तो जो देश के प्रति प्यार की भावना थी वो बचपन से थी, क्योंकि हमारे परिवार में आर्मी में पुलिस में लोग निकलते ही निकलते हैं, हर व्यक्ति हर पीढ़ी से एक है, तो मेरी पीढ़ी से मैं था, मैंने कहा कि ये हमारे खून में है, तो खून में ही मोहब्बत है सर देश के लिए, जो आप देख पा रहे हैं, जो इतना सम्मान मिलता है वो उसी मोहब्बत की देन है। क्या बात है, तो मतलब आपने जब कॉलेज के दिन थे तभी से आपने डिसाइड कर लिया था कि देश की सेवा में जाना है और ऐसा सर, कुछ कॉलेज से नहीं सर, स्कूल से स्कूल स्कूल की लाइफ मुझे अच्छी तरह याद है। 8th क्लास में था जी, और 8th क्लास में मैंने फाइनल कर लिया था कि मैं पुलिस में या आर्मी में जाऊँगा, तो पापा के डिमांड थे कि मैं आर्मी में जाऊं। क्या बात, क्योंकि वो ये बोलते थे कि, क्योंकि वो पुलिस में थे तो वो भी बहुत अच्छा काम करते थे, हमेशा बचपन से काम करते आए हैं, और वो उनको मैं काम करते हुए देखता आया हूं, वो हमेशा बोलते थे कि पुलिस विभाग में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो आर्मी मिलेगी, तो मुझे हमेशा चैलेंजेस पसंद थे जी। तो मैंने कहा पापा जो नहीं मिलती वही तो पाना है, तो मैंने कहा नहीं, मैं पापा आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं काम करूंगा और मैं पुलिस में ही जाऊंगा। तो पापा नाराज भी हुए थे, पर आज वो खुश हैं कि उनको मैंने गलत साबित किया उस मामले में, कि वो कहते थे कि कितनी मेहनत कर लो फल नहीं मिलता, फल मिलता है, बस फल पाने की इच्छा से मेहनत मत करो। बिल्कुल, अगर इरादे मजबूत और हौसले बुलंद हैं तो रंजीत सर का यही कहना है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और आपने बात सही कही कि अभी भी UPSC का रिजल्ट आया है, ऐसे भी तमाम राज्य सेवाओं के भी रिजल्ट आते हैं, अधिकतर मैंने भी देखा है कि लोग चाहते हैं मैं बड़ा पुलिस अधिकारी बनूं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाऊं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से लोग बचते हैं, मैंने अक्सर देखा है। और उसी चीज़ को आपने कहा कि नहीं, मैं वो साबित करके दिखाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखिए सिंपल सी बात है कि सभी अच्छा अच्छा काम कर लेंगे, बिल्कुल, तो बुरा काम कौन करेगा या उस पद पे कौन जाएगा जो समाज को सुधारता है, सुधारने काम कौन लेगा, क्योंकि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं एक जो गंदगी है उसे साफ किया जाए। बिल्कुल, तो साफ करने के लिए आपको उतरना तो पड़ेगा, उस दलदल में उतरना पड़ेगा, तभी उस कीचड़ साफ होगा। तो जिम्मा लेना
आसान काम नहीं होता, वो टफ काम होता है। और ये जिम्मा लेने के बाद उसमें खरा उतरना, उसको कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि मैंने लास्ट 17 सालों में किया है। तो मेरे लिए बहुत लंबा टाइम है ये, और मैंने बड़ा फख्र से बोल सकता हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं ट्रैफिक सुधार के मामले में या इमेज जो ट्रैफिक पुलिस की इमेज है उस सुधार के मामले में मैंने बहुत प्रयास किया, और मेरी मेहनत आज रंग लाती, इसी की वजह से शायद मैं आज आपके स्टूडियो में बैठा हूँ और आप लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, और खास करके चैलेंज तब भी होता है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को एक उसमें कला का अनोखा प्रयोग करते हुए करें, जैसा कि हमारे पूरा देश जानता है, हालांकि विदेशों में भी लोग इनका वीडियो वायरल होता है और लोग देखते हैं। आपने एक जो है डांस की जो कला है, जी जी, नृत्य कला को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया, और वो कैसे आइडिया आपको आया और कहां से इसकी प्रेरणा मिली? देखिए, ये मैं बता दूं कि हर एक जो बच्चा होता है जी, वो उसके ड्रीम्स होते हैं बचपन में कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, पर हालात हमारे घर के इतने अच्छे नहीं थे कि हम उस ड्रीम को अचीव कर सकें। पर जो मैं आपसे देखता हूँ कि जो बच्चे जिनके ड्रीम्स होते हैं वो पूरे नहीं होते, फुलफिल नहीं होते, तो वो मार देते हैं जी। मैंने वो ड्रीम्स मारे नहीं थे, मेरा भी ड्रीम था कि मैं डांस करूं, एक्टर बनूं और स्टाइल में चलूं, और बट वो ड्रीम्स कहीं ना कहीं हालातों की वजह से नहीं बन पाए, मगर वो ड्रीम मैंने मारे नहीं थे, होल्ड पे डाल दिए थे कि एक दिन आएगा, वक्त आएगा और वो ड्रीम हम जी लेंगे। तो एक दिन ऐसे ही चौराहे पे खड़ा था, और जो डांसर था रंजीत जो डांसर है, वो क्रिकेट प्लेयर भी हूँ मैं, तो मैं दोनों जो कॉम्बो था वो एक दिन चौराहे पे उसको खड़ा करा गया किया गया, और मैं लकली मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आया और भगवान ने साथ वो भेजा, बिल्कुल, कि वो तेरे जो ड्रीम थे वो आज मौका मिला है। तो जब वो मौका देता है और उस मौके को आपको भुनाना होता है, भगवान ने मुझे चौराहे पे खड़ा किया, और उस वक्त मेरे एक दोस्त का रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, तो मैं बहुत गुस्से में था चौराहे पे कि यार मेरा दोस्त क्यों मरा, क्यों ये सुधर नहीं ले रोक, तो मैं बहुत फास्ट अपने आप को चौराहे पे घुमा रहा था जी, जी, जी। तो उस घुमाने की वजह से मेरे सीनियर खड़े थे, कहते रंजीत जो अभी घूम रहे हो ना उसकी वजह से ट्रैफिक रुक रहा है, ओके, लोग रेड सिग्नल पे रुक रहे हैं। ये घटना का तकरीबन 2004 की है, गीता भवन स्क्वायर हमारे इंदौर में ही। तो मैंने कहा ऐसा है क्या, तो मैंने और तेज तेज घूमना शुरू कर दिया। वाह। और घूमने का साल जो थी मेरी वो कहीं ना कहीं डांस फॉर्म लेती गई धीरे धीरे, और मेरे अंदर का जो डांसर था और जो क्रिकेट प्लेयर था वो दोनों कॉम्बो जब आया तो सिंघम बना। एक्चुअली वो जो ड्रीम थे क्रिकेटर बनने के या फिर डांसर बनने के, वो जो ड्रीम चौराहे पे पूरे हो गए। जो डांसर था वो मूनवॉक कर रहा था, और जो फील्डर था वो रेड लाइट पे लोगों को निकल ही नहीं दे रहा था, बिल्कुल। तो जो कॉम्बो था लोग जो देख पा रहे हैं वो एक डांसर और एक क्रिकेट प्लेयर और एक जुनूनी देशभक्त का क्या कॉम्बो है, क्या बात है। बहुत ही करिश्माई ये मेलजोल है, एक देशभक्ति भी है और अपने कला की प्रस्तुति भी कर रहे हैं, अपने ख्वाब को भी पूरा किया, और इंदौर शहर के ही नहीं पूरे देश के बहुत सारे लोग रंजीत सर से प्रेरणा लेते हैं, वे चाहते हैं कि आपके जैसा बने। बिल्कुल, मैं चाहूंगा, क्योंकि एक रंजीत का काम नहीं है यहाँ पर, जी, जी, बहुत रंजीत लगेंगे, हर जगह रंजीत नहीं जा सकता, तो बहुत जगह बहुत सारे रंजीत लगेंगे तब जाके सोसाइटी में सुधार होगा। मैं अपना को बड़ा नहीं मान रहा, मगर हाँ मैं ये मानता हूँ कि मैं देशभक्त जरूर हूँ, मेरे अंदर ब्लड में खून में एक देशभक्ति है, क्योंकि मैं जब वर्दी पहनता हूँ तो मेरा बुखार उतर जाता है, तिरंगों को देखता हूँ तो मेरा दर्द चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो असर करता है अंदर, एक मेडिसिन है मेरे लिए ये वर्दी और तिरंगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जगहों पर रंजीत चाहिए होगा, ऐसा देशभक्त चाहिए होगा जो कि इस समाज को सुधारने का ठेका ले, गलत को गलत बोलना और उसके खिलाफ करने की साहस रखता हो। इतना आसान नहीं है खड़ा होना चौराहे पे, क्योंकि अगर देशभक्ति नहीं होती तो कहीं ना कहीं मेरे भी पेन होता है जो डांस करता हूँ, चौराहे पे डांस करना इज नॉट ए जोक, नहीं नहीं नहीं, हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, बिल्कुल। तो अगर आप किसी से मोहब्बत नहीं करते होगे ना तो वो दर्द आप सहन नहीं कर पाओगे, अगर आप अगर मोहब्बत करते हो जी तो आप दर्द सहन कर पाओगे, और शायद मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मेरे अंदर जो एक देशभक्त है वो ये दर्द सहन करता है और उसके बाद भी चेहरे पर स्माइल लेके आता है। क्या बात है, अपने दर्द से चेहरे पर स्माइल लाकर और इंदौर शहर की ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो चाहे जनता की प्रॉब्लम, हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सर जो है वो सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही नहीं संभाल रहे, इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है जो मीडिया में नहीं आया सामने और सर भी नहीं बताते, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, आज आपको बताना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन के दौरान ही एक बच्ची को दूध की ज़रूरत पड़ी थी, सर ने आधी रात को भी उसकी मदद की थी, जो छोटी सी इंसिडेंट है सर, ये कैसे मतलब ये घटना घटी? और देखिए जो आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का है, तो काफ़ी लोग मुझसे
उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, काफी लोगों ने उम्मीदें दिखाई मेरे ऊपर। इस वक्त मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ कि काफी लोग, बच्चे, काफी स्टूडेंट, काफी फैमिली, उन्होंने मुझे इस लॉकडाउन में मुझे मैसेज किया कि सर हमको इसकी नीड है। उनको उम्मीद थी कि ये जो व्यक्ति है ये हमारी नीड प्रॉपर पूरी करेगा और मीडियाबाजी नहीं करेगा या फिर सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि हमने इनकी हेल्प करी। तो ऐसे ही मैसेंजर में चेक कर रहा था रात में बैठ के, तो एक लेडी थी जिनको बच्चा हुआ था और उनको एक महीना हुआ था और दूध नहीं था कहीं पर भी, और उनको दूध से ही फीडिंग, मतलब जो माँ का दूध होता है वो दूध पीने के बाद ही बनता है। तो उनका, सर हमारे बच्चा सुबह से भूखा है, मैंने क्यों, क्या हो गया, कि सर मैंने दूध नहीं खाया है, दूध का जो आहार था उसके वजह से मेरे को फीडिंग नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा तड़प सा रह गया, मैंने कहा दूध चाहिए। मैं उस वक्त, मेरे को जब मैसेज मैंने पढ़ा था मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद के 12:30-1 बज रहे होंगे, और मैं उस वक्त उठा और मैंने कहा कि कुछ करूंगा, लेकिन मैंने, सर सुबह करीबन 3 बज रहे होंगे और मैं 3 बजे उनके घर पहुंचा, क्योंकि एड्रेस ढूंढते हैं तो टाइम लगा मुझे, दूध ढूंढते रात को 12:30 बजे दूध कहाँ से लेके आऊँ, व्यवस्था करनी थी। मैं 3 बजे पहुंचा, उन्होंने दूध खाया मॉर्निंग में, और अगले दिन मॉर्निंग बच्चे को 9 बजे उनको अगले मॉर्निंग में फीडिंग हुई, उस बच्चे ने दूध पिया और उन्होंने मुझे वापस मैसेज किया कि थैंक यू सो मच सर, आपने एक माँ की ममता को मरने नहीं दिया, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिला नहीं पा रही थी, वो कष्ट में थी, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड से कि ऐसा करने का मुझे उन्होंने मौका दिया साहस दिया, और वो कई दिनों तक वो चलता रहा, कई दिनों तक मैं दूध पहुँचाता रहा। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, आपको मालूम पड़ी अच्छी बात है, बट मैं इसको शो ऑफ कभी नहीं करता। ऐसी बहुत सारी हेल्प है जो इस दौरान हुई पर मैंने नहीं किया, क्योंकि ये गलत है कि आप किसी की हेल्प करो और आप वर्ल्ड वाइज जाहिर करो कि हमने इनकी हेल्प करी। एक साधारण सी बात थी जो कि एक हर मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हमें करना चाहिए था। अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मुझे करना चाहिए था, और मैंने वही किया। कोई बड़ा काम नहीं है, ये हर इंसान करना चाहिए, वही मैंने किया। बिल्कुल, है वही मनुष्य जो कि मनुष्य के लिए मरे, पंक्तियों को इन्होंने चरितार्थ किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटी सी घटना है, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी परेशानियां आई और इसके लिए भी आप सामने आए, लोगों को हर तरह से आपने मदद मुहैया कराई, ट्रैफिक संभालते हुए सारा काम किया। जी, तो मतलब ये कैसे, आप ये करिश्मा कैसे कर लेते हैं? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी का दिल तोड़ दो पर किसी की उम्मीद मत तोड़ो। बिल्कुल, दिल तोड़ना आसान है, ठीक है, हो गया, दिल टूट जाता है कभी किसी बातों पर लेकिन, पर अगर आप कोई उम्मीद, आपसे व्यक्ति उम्मीद करता है तो उसकी उम्मीद मत तोड़ो। मेरे से लोग उम्मीद करते हैं बहुत, अगर एक व्यक्ति भी मुझसे उम्मीद करता है तो मुझे उसकी उम्मीदों पे खरा उतरना और उसकी उम्मीदों को कैसे सही कर देना, इसके लिए मैं काम करता हूँ। और मुझे जब मैसेज आते रहे कि सर हमको फूड की ज़रूरत है, हमें खाने की ज़रूरत है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम नेगेटिव हो रहे हैं, इवन कोरोना नाम की चीज़ ने लोग नेगेटिव भी हो रहे थे, हमें बूस्ट करिए, आपने वीडियो लाइव आई है, हमसे बात करिए, तो सोशल मीडिया का यूज़ करके मैंने उन लोगों को मोटिवेट भी किया। और खाने के लिए बहुत डिमांड आती थी, स्कूली बच्चे थे, करीबन 78 बच्चे थे मेरे पास जो यहाँ पर MBA BBA कर रहे थे, जिनके पास फूड नहीं था, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने एक मैसेंजर छोड़ा था कि जिसको फूड की ज़रूरत है मुझे बताएं, और मुझे पता नहीं था कि इतने बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि मेरी भी एक औकात थे, छोटा सा गरीब सिपाही हूं, पर मेरे को पता था कि इतने लोग खाना कहां से खिलाऊंगा। पर अगर उन्होंने उम्मीद करके बोला सर हमको फूड चाहिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको फूड प्रोवाइड कराऊं। तो मैंने फैमिली से बोला कि कुछ दोस्तों से बोला कि यार मुझे खाना बना के दो, मुझे खाना पहुंचाना है। तो ये सिलसिला 48 दिन तक मैं लगातार उन बच्चों को खाना देता गया। अच्छा लगा कि ये काम करके सुकून मिलता था, यार कुछ अच्छा करके आया हूं। क्या बात है? तो नींद अच्छी आती है, आप यकीन मानिए, जो खुरापाती लोग होते हैं ना उन्हें नींद नहीं आती। नहीं, बिल्कुल। और जो लोग अच्छे होते हैं ना, जो अच्छा काम करके आते हैं, बिल्कुल सुकून की नींद आती है। देखना, आप कोई मजदूर पर सुकून से सोता है? बिल्कुल, मैं वही मजदूर हूँ जो अपने काम करके देश के लोगों की सेवा करके सुकून से सोता। नहीं, आपका बड़प्पन है जो स्वयं को मजदूर कह रहे हैं। वैसे आपको मतलब मैं ये चीज जानता हूँ और सभी लोग जानते हैं, हर माँ बाप का एक लाडला बच्चा होता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आप लाडले हैं और सभी जानते हैं, बड़े अधिकारियों को भी, बड़े अधिकारी भी आपको पसंद करते हैं, और जितने बड़े अधिकारी हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हों, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हों, क्या दूसरे डिपार्टमेंट के भी लोग हैं जो भले ट्रैफिक के अधिकारी नहीं है वो भी, तो बड़े लोगों का साथ और प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहता है, तो किस तरह से मतलब? देखिए, ये कि माने का काम की पूजा होती है जी, मेरे व्यक्ति विशेष की नहीं होती जी। काम अगर आपने अच्छा किया, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो और उस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करते हो, आप उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हो। मैं जैसे कि दिल्ली पुलिस ने बुलाया मुझे, मुंबई पुलिस ने बुलाया, बिल्कुल अच्छा लगता है कि वहाँ के लोग हमें बुलाते हैं, हम वहाँ पर जाकर काम करते हैं और इंदौर का नाम होता है। तो आप जिस मातृभूमि से, जहाँ आपकी जन्म हुआ है, अगर उसके नाम को आप 4 चांद लगाते हो, क्या बात, उसको रोशन करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्राउड फील होना चाहिए।
हमारे अधिकारियों को प्राउड फील होता है, हमारी जनता को प्राउड फील होता है कि एक आरक्षक, थोड़ा सा आरक्षक है जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड जाकर 28 कंट्री के लोगों से मैं बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि इतने सारे कंट्री के लोग जानते हैं कि रंजीत सिंह है और ये इंदौर शहर है, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी मातृभूमि इंदौर शहर मेरा जन्म स्थल है, तो इसको एक आयाम देना, अपने देश को एक नाम देना एक मेरा कर्तव्य बनता है और मैं वही कर रहा हूँ। इसी वजह से शायद अधिकारी वर्ग हो जाए, कोई भी डिपार्टमेंट के वर्ग हो, मुझे प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि वो मेरे काम को देखते आए हैं। और ये काम एक दो साल से नहीं हो रहा है, ये काम 17 साल 2004 में मेरा पोस्टिंग हुआ था, तो एक बहुत लंबा टाइम है। लोग आते हैं 2-4 दिनों में फेमस हो जाते हैं, पर मुझे 17 साल लगे हैं तब जाके लोगों तक मेरी बात पहुंची, तब तक सोशल मीडिया में नहीं था। 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 में जो डांस किया करता था उसके तो वीडियो ही नहीं है, वीडियो उपलब्ध नहीं उपलब्ध है, जो कि गीता भवन स्क्वायर पे या रेडिसन स्क्वायर पे या फिर नंदलालपुरा स्क्वायर पे मैं डांस किया करता था, वहाँ पर वहाँ के लोगों को पता है कि मैं वहाँ डांस करता था, पर उसकी वीडियो नहीं है, उस वक्त मोबाइल भी नहीं होते थे। और आपकी इन्हीं उपलब्धियों की वजह से शायद से बिग बॉस के सेट पर भी आप जाके जी हाँ, मुझे बुलाया गया था, मैं वहाँ पर गया नहीं क्योंकि मुझे लगता कि वो जो प्लेटफॉर्म है मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल, तो मैं उसके शायद लायक नहीं हूँ। मैं ये बोलूँगा, मैं किसी को जज नहीं करता, मैं खुद को जज करता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे अभी देशभक्ति भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरा फोकस ही वही है कि मैं उस तरह काम करूं जिससे लोग इंस्पायर हो। क्या बात, क्योंकि अगर मैं कहीं छोड़ के चला जाता हूं तो जो एक भी यूथ मुझे इंस्पायरिंग मानता है या मुझे फॉलो करता है उसका कहने का दिल टूटेगा कि यार मैं इनको फॉलो करता था और ये कहीं और चले गए। मैंने कहा ना, दिल तोड़ना इजी है पर किसी की उम्मीद मत तोड़िए। बहुत सारे युवा उम्मीद करते हैं कि रंजीत सिंह है तो हम उन जैसे बनेंगे, या बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे, दिन भर आते हैं, तो उनकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं और मैं कहीं नहीं चाहूँगा कि मैं उनकी उम्मीदें तोड़ूं। वो जब तक शरीर में जान है, हाथ पर काम कर रहे हैं, मैं ऐसे ही नाचता रहूंगा और ऐसे ही लोगों को प्राउड फील कराता रहूंगा और ऐसे देश के काम आता रहूंगा। और ये भी देखा गया कि आप डांस करते करते जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि दूसरे ट्रैफिक कॉप्स जब होते हैं, हो सकता है कभी कभार मैंने देखा हुआ ऐसा कि लोग उनकी बातों को सीरियस ना लें या रुकाएं तो ना रुकें, लेकिन आपको देख करके लोग रुक जाते हैं और बहुत ही प्यार से, मतलब ऐसा होता है कि आपको ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता, इशारों इशारों में काम हो जाता है और वो उनको आपकी बात समझ में आ जाती है। सर यकीन मानिएगा, मैंने आपको पहले बोला कि आपकी मेहनत को देखा जाता है जी। हमारी जो हिंदुस्तान जनता है जब ये देख अपने पे आती है ना, तो आप पत्थर को भी भगवान बना देती है, सिंपल सी बात है सर। तो इन्होंने मेहनत देखी है, इन जो हमारे पुराने इंदौरी लोग हैं उन्होंने सालों से देखा है कि यार ये जो आदमी है ये सालों से लगा हुआ है, ये आज का नहीं है, 2-4 साल में नहीं आया, सालों से लगा है, तो जो मेहनत है बिल्कुल वो कहीं ना कहीं आपको एक आयाम देती है, शायद इज्जत देती है, सम्मान देती है, वो मेहनत है जो आज आप लोगों के बीच में सम्मान प्राप्त करती है और लोग मेरा कहना मान लेते हैं। मैं भी बिलीव करता हूँ कि काफ़ी हद तक कई जगहों पर ऐसे लगाया जाता है, जब VIPs आते हैं तो मुझे उनके साथ ड्यूटी लगाई जाती है, तो वहाँ पर बड़े बड़े नेता भी आते हैं, पर मैं उनसे जब रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो अपनी गाड़ियाँ सही जगह पार्क कर लेते हैं, तो बड़ा ईजी हो जाता है मेरे लिए, मेरे डिपार्टमेंट के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी, कि यार जीत का कहना सब मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कई सालों से। यहाँ के जो हमारे आदरणीय नेता लोग भी हैं वो भी, उन्होंने मेहनत देखी है मेरी, तो कहीं ना कहीं समाज में एक आपके कर्म की पूजा होती है, न कि रंजीत सिंह की। एक आरक्षक रंजीत सिंह मैं बोलता हूँ अपने आप को, मैं कभी ये नहीं बोलता कि रंजीत सिंह को लोग जानते हैं, आरक्षक रंजीत सिंह को सब लोग जानते हैं और उसकी मेहनत को लोग सब सम्मान के तौर पर अपनी अपनी बात मान लेते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सोसाइटी में कोई भी कहीं भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम को अप्रिशिएट करें, उसे कंधे की जरूरत होती है, उसे हिम्मत की जरूरत होती है, और हिम्मत सोसाइटी के जो बड़े लोग होते हैं वो दे सकते हैं और इस सोसाइटी को बदला जा सकता है अगर हम सपोर्ट करेंगे, नॉट माउथली, फिजिकली भी आके अगर आप कंधे पे हाथ रखते हैं, मेरे ऑफिसर कभी कभी कंधे पे हाथ रखते हैं, हम जैसे लोगों को वही चाहिए होता है, कोई धन दौलत नहीं चाहिए होती, एप्रिसिएशन के रूप में अगर आप थोड़ा सा मीठे बोल बोल देते हैं हमारी अंदर एनर्जी आ जाती है। सर सुनने में आया कि अब तक मतलब देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग है डांस के मामले में या शख्सियत के मामले में, गोविंदा को लोग लाइक करते हैं, लेकिन गोविंदा भी आपकी प्रशंसा करते हैं और नहीं, मैं कभी भी इस तरफ क्रिस होता कि लोग कितने मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को प्यार पाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कभी कभी रूड भी होता हूँ, कभी कभी मैं नेगेटिव भी होता हूँ, बिल्कुल मेरे में कमियाँ हैं, मुझ में भी गलतियाँ होती हैं, पर ऐसा नहीं कि मैं हमेशा अच्छा ही अच्छा काम करूँगा, मुझसे भी गलतियाँ होंगी, तो मैं इन सब चीज़ों के लिए माइनस प्लस के लिए काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ कि मुझे काम करना है और जो डिपार्टमेंट जवाबदारी दी है, डिपार्टमेंट बेहतर जानता है कि मेरा काम कहाँ उपयोग
किया जा सकता है। और जब वो मुझे उस काम के लिए भेजते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं काम के लिए बना हूँ, ना कि ये सम्मान और प्यार की भाषा के लिए, या मुझे आप अच्छा बोलो या गंदा बोलो। एंड ऑफ द डे मेरा मोटो ये है कि मेरा रोड पे व्यक्ति चल रहा है वो रोड पे ना मरे, रोड पे घायल ना हो, क्योंकि हमारे देश में 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं, 4.5 लाख लोग घायल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो कोरोना से बड़ा आंकड़ा है फिलहाल। तो ये आंकड़े को कम करना मेरा उद्देश्य है, जिसके लिए मैं जो कभी कभी रूड भी होना पड़ता है, कभी कभी अच्छा भी बात करता हूँ, बट एंड ऑफ द डे मेरा मोटो यही है कि लोग रोड पे ना मरे। यंगस्टर हमारे लास्ट ईयर 1.5 लाख जो यंगस्टर थे, मतलब 1.5 लाख जो लोग डेथ हुई थी, उसमें 76,000 देश के युवा थे। तो हमारे देश का युवा अगर रोड पे मरेगा तो ये देश के लिए कौन काम करेगा? तो मेरा एक मकसद ये है कि देश के युवाओं को बचाया जाए, ये रश ड्राइविंग को रोका जाए, रोड एक्सीडेंट को रोका जाए, ताकि हमारे देश का जो एनर्जी है, जो फ्यूचर है, वो देश के काम आ सके और रंजीत बन सके बहुत सारे, क्योंकि ये रंजीत तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बुढ़ा होता जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि देश के युवा इस लाइन में आए और बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत अच्छा काम करें और देश के लोगों को रोड एक्सीडेंट में ना मरने दें। बिल्कुल, रंजीत सर को देख के ये बात तो माननी पड़ेगी कि अब की जो नई पीढ़ियाँ हैं वो भी चाहती हैं कि हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करें, रंजीत सर की तरह काम करें, और रंजीत एक अलग रंजीत बन करके जनता का दिल भी जीतें और ट्रैफिक भी मैनेज करें, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं, साथ ही साथ समाज सेवा भी करें। सर जाते जाते अभी फिलहाल एक ध्यान मैं दिलाना चाहूँगा, कोरोना का दौर चल रहा है, अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, हालांकि सरकार ने जनता की सुविधाओं को देखते हुए भी चीज़ें लिया, लेकिन जनता कहीं ना कहीं नटखट शरारती लोग भी हैं, तो कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं भी कर रहे हैं, तो एक अपनी तरफ से कुछ संदेश अगर देना चाहें। बिल्कुल, मेरा फ़र्ज है और मैं थैंकफुल हूँ जो आप ये मेरा ऑनर कर रहे हैं और मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। एक सिंपल सी बात है सर, कि जैसे हम लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट में लोगों को बोलते हैं कि हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, फायर ड्राइविंग मत करिए, तो आप जान बच सकती है आपकी। तो सिंपल सी बात है, कोरोना जो बीमारी है उसके बारे में हमको सबसे बेहतर डॉक्टर्स को पता है और यहाँ के स्वास्थ्य संगठन को पता है, तो उनने जो क्राइटेरिया दिया है उसको हम फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि ये हमारे पूर्वज भी करते आए, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जब मैं गाँव जाता था तो मेरे दादाजी जाते थे, तो नहा अगर हम फ्रेश होने जा रहे हैं तो जरूर हाथ पैर धोते थे वो, अपने घर से कहीं बाहर से आए तो चप्पल बाहर उतार के पाँव धोते थे, फिर घर के अंदर एंट्री करते थे। ये कोई नया काम नहीं कर रहे हम, ये हमारे पूर्वज करते हुए आए, वही काम को हम कंटिन्यू करना भूल गए थे बीच में, इस चीज को हम भूल गए थे जिसका नाम हमने कोरोना दे दिया। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो हमारा जो अच्छा हम फूड खाते थे, हम आजकल फास्ट फूड खाते हैं, गंदा खाना खाते हैं, हम घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, हमें मार्केट का खाना चाहिए। तो ये जो पद्धति है इसको चेंज करना पड़ेगा। कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपकी लाइफ स्टाइल इस कोरोना से लड़ सकती है, नहीं लड़ सकती। तो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे ना तो कोरोना क्या, कोरोना की उससे बड़ी बीमारी आ जाए यकीन मानिए आप कुछ नहीं करने वाली। बस अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छे तरीके से रहिए, अच्छा बिहेव कीजिए, और वैसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे देश से, समाज से, या किसी भी तरह से आपकी इज्जत पर, देश की इज्जत पर आँच आए। मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ कि ड्राइविंग सेफली कीजिए, क्योंकि आपके घर पर आपका कोई वेट कर रहा होता है, तो आप घर से निकलते वक्त इस कोरोना काल में उन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो सकता है और उनकी जान जा सकती है। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो पर आपकी फैमिली किसी मेंबर की इम्यूनिटी अच्छी नहीं हुई, तो वो उस बीमारी से पेट में आ सकता है। तो इसका ध्यान रखिए और सेफली रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे काम करते रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, मास्क लगाइए और मास्क लगाकर ड्राइविंग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, यातायात के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि आपका घर परिवार पूरा भरा परिवार है और उसमें आप भी एक सदस्य हैं, आप भी रहेंगे और हंसता खेलता परिवार पूरा भरा पड़ा रहेगा। रंजीत सर के हिसाब से वही आपको सुरक्षित रखेगी और सुरक्षित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। जाते जाते इन पंक्तियों से मैं समापन करूंगा कि चले जाओ कहीं, हम मिलेंगे वहीं, फिर उसी राह पर, फिर उसी मोड़ पर जहां से ज़िंदगी में कुछ और शुरू होता है और जहां से हमारा मृदुभाषी का यह दौर शुरू होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। आज थे हमारे साथ रंजीत सर, सुपर कॉप रंजीत सर, और इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए कोरोना वेरियंट से। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, देखते रहिए ताज़ा खबरों को मृदुभाषी न्यूज़ पर। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।